स्कूटर गाइस, तो जैसे कि आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, इसका जो ये फ्रंट लुक है ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। यहाँ पे आपको एच शेप में LED DRLs मिल जाती है, यहाँ पे बीच में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाता है, ये रहा इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और वेंट्स की बात करें, यहाँ पे जो वेंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा यू नो एरोडायनेमिकली इसको डिज़ाइन किया गया है, तो एयर वेंट्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक अग्रेसिव लुक देगा ये स्कूटर। और ऊपर से अगर हम बात करें तो ये स्कूटर का जो फ्रंट प्रोफाइल है इसमें आपको एक छोटा सा वाइज़र मिलता है, स्मोक वाइज़र। और आगे का जो अगर लुक आप देखो ना, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रोबोटिक और प्रेडेटर का एक लुक आता है, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए कितना मीन और कितना अग्रेसिव है। और बात रही इसके कलर की, तो ये जो कलर आप देख रहे हो वो है मॉन्स्टर ब्लू, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आते हैं साइड का जो स्टांस है इसका, साइड का स्टांस कुछ ऐसा है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम की, यहाँ पे आपको बैजिंग मिलेगी, ये जो बेवल शेप में है क्रोम में, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्सटेक की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ की अगर हम साइड पैनल की बात करें तो ये जो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और हीरो ने इसको काफ़ी फ्लूइडिक डिज़ाइन में इसको डिज़ाइन किया गया है। और बात करें इसके ग्रैब रिल्स की, तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसका ग्रैब रिल कहाँ है, तो हीरो ने इसको काफ़ी स्मार्टली इसको प्लेस किया है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसका आपको ग्रैब रिल मिलता है, दो पिलियन जो बैठता है वो यहाँ पर इसको हिंज में अपना हाथ पकड़ सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर है। पीछे की बात करें तो आपको एक LED शेप में, एच शेप में आपको एक LED लैम्प मिलती है, जो कि इस सेगमेंट में 110cc के सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, बाकी कोई स्कूटर आपको ऑफर नहीं करती है। और पीछे से अगर हम देखें तो पीछे से इसका लुक कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, ये आपको फ्लेक्सिबल हैलोजन के इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको आपकी जो नंबर प्लेट है इसके लिए आपको एक हिंज मिल जाती है। पीछे का लुक कुछ ऐसा है, मैं आपको और भी दिखाता हूँ, पीछे से कुछ ये ऐसी दिखती है, तो काफ़ी मीन और मस्कुलर है। तो सीट जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, यहाँ पे जो इसकी सीट है ये काफ़ी ज़्यादा यू नो वाइड है और काफ़ी स्लीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ की जो स्टिचिंग क्वालिटी है, स्टिचिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग राइड के लिए ये स्कूटर आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें जो स्टाइलिंग की है सीट की वो ज़्यादा कॉम्फी है, और इसकी जो लेयरिंग है, जो सीट की जो लेयरिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक कैविटी बॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ रख सकते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये मिल जाता है ब्लूटूथ चार्जिंग, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इसका एक ब्लूटूथ चार्जिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स है। और अगर स्कूटर की बात करें तो स्कूटर में आपको कुछ ऐसा जो लुक है वो मिलता है, और काफ़ी अच्छे स्टाइलिंग के साथ ये स्कूटर आता है। साइड से बात करें तो ये स्कूटर कुछ ऐसा लग रहा है, और ये है इसके जो मेन फीचर। अब हम बात करते हैं इसके कॉर्नरिंग बेंडिंग लाइट्स। अब गाइस, ये जो कॉर्नरिंग बेंडिंग लाइट्स है ये तभी यूज़ होता है जब आप स्कूटर को चला रहे हो और अगर उसको लीन करते हो, तो जब आप लीन करते हो तो ये इंडिकेटर्स अपने आप जलते हैं, और हीरो ने इसको पेटेंटेड किया है। तो ये 110cc के सेगमेंट में ये सबसे बेस्ट फीचर है जो सिर्फ हीरो आपको देता है, बाकी और कोई स्कूटर नहीं देती है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी जो ये पैनल की बात करूँ तो ये पैनल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, ये मुझे एक एक्चुअली स्पोर्ट्स बाइक वाली फील देता है, जो एक्स्ट्रा काउल होता है जो आपके टैंक पे, वो इसकी जो फिनिश है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे कट्स देखने को मिलेंगे, ये देखें ये कट्स है, ये जो एच शेप की जो हेडलैम्प है ये काफ़ी अच्छे से बेवल और एम्बॉस करके हिंज की गई है। तो ये ओवरऑल जो लुक है स्कूटर का ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और ये यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक यानी पियानो ब्लैक फिनिश में आपको इसकी जो फ्रंट लुक है ये आपको यहाँ पे केसिंग मिलती है, यहाँ पे आपको मिलता है हीरो का 3D एम्बल, यहाँ पे आपको मिलता है 3D का बेवल एम्बॉस वाला लोगो जो कि काफ़ी दिखने में खूबसूरत है। और फेंडर की अगर बात करें तो फेंडर पे भी आपको यहाँ मिलता है जूम की बैजिंग, ये मैं आपको बता दूँ, ये रही इसकी जूम की स्टिकर, ये काफ़ी अच्छी है। और जो फेंडर है, फेंडर का जो क्वालिटी है, जो इसकी जो डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ उसको दिया गया है। यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे आपको मिलते हैं एक रिफ्लेक्टर जो कि काफ़ी बड़े हैं, और ये देखिए इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है। अभी अब इसकी हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन जिसका ट्रैवल बहुत लंबा है, और ये एकदम बाइक वाली फील आपको देता है। तो जब आप गड्ढे और ऐसे ख़राब रास्तों पे स्कूटर चलाते हो तो आपको कई ज़्यादा इसमें कंफर्ट मिलता है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है जो छोटे छोटे जर्क्स होते हैं जो हमें हाथ पे लगते हैं चलाने के टाइम। तो अब बात करते हैं इसके टायर्स की, तो टायर्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको 90x90 12 इंच के एलॉय रिम्स मिलते हैं, और ये जो रिम है ना इसकी जो क्वालिटी देखना, ये जो रिम है ये आपको डायमंड कट मिलती है। इसके ऊपर और दो वेरिएंट्स आते हैं LX और VX, ये जो मॉडल है ये ZX है पॉलिस्टर ब्लू, और इसमें आपको MRF के टायर्स मिलते हैं, और इसकी जो लुक एंड फील है कुछ ऐसी है टायर की। अब बात करते हैं इसके डिस्क ब्रेक की,
तो 110 सीसी के सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कूटर होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको बाय बायर के डिस्ब्रेक्स दिए जाते हैं, सॉरी बाय बायर्स के आपको डिस्ब्रेक दिया जाए जो कि 190 mm के है, जिसमें आपको अच्छी खासी ब्रेकिंग दी जाएगी। तो इसमें आपको जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है। बाय बायर के डिस्ब्रेक काफ़ी आपने देखे होंगे बाइक्स वगैरह में भी होते हैं, हाई एंड बाइक्स में, तो ये आपके ब्रेकिंग को एनहेंस करेगा। तो यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग है, बाय बायर की जो आपकी ब्रांडिंग है ये रही, और ये रही इसकी डिस्ब्रेक, 190 सेक्शन mm की आपको डिस्ब्रेक मिलती है। और अगर हम रिम की बात करें तो इसमें आपको ब्लैक पियानो फिनिश की रिम मिलती है। साइड का यहाँ पे कुछ ऐसा है आपका साइड का जो लुक है, यहाँ पे आपको i3s की बैजिंग मिलती है। i3s की बैजिंग भी मैं आपको बता दूंगा कि i3s क्या है इसमें, और हीरो की सबसे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी i3s। अब बात करते हैं इसके फुटरेस्ट की, तो फुटरेस्ट यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो इसका फुटरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे आपको मैट फिनिश में और ब्लैक कोटिंग पाउडर में आपको मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिम्सी नहीं लगती, आपको ज़्यादा स्टर्डी लगती है, तो ये कभी भी आपको टूटने का जो डर है वो नहीं रहता, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको एक किक मिलता है, किक का ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हीरो की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलती है इंजन पे, इंजन स्पेसिफिकेशन की बात भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो है पीछे आपको मिलता है स्विंग आर्म हाइड्रोलिक सस्पेंशन, ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। ये देखिए कितना स्टर्डी है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये रही कुछ इसकी पीछे की प्रोफाइल, यहाँ पे आपको एक फेंडर मिल जाता है पीछे जो रियर टायर को कवर कर रहा है, और पीछे आपको मिलते हैं 100x80 सेक्शन के टायर 12 इंच के अगेन। तो ये बहुत एक यूनिक फीचर है स्कूटर का, क्योंकि आपको दोनों साइड पे 12 इंच का टायर मिल रहा है, और वो भी आपको MRF जैपर का ही टायर मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ इस स्कूटर की एग्जॉस्ट की, तो अब एग्जॉस्ट अगर देखोगे स्कूटर की तो ये रहा इसका कुछ ऐसा एग्जॉस्ट का जो लुक आ रहा है पीछे से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये एग्जॉस्ट का जो लुक है, ये जो केसिंग जो दी गई है क्रोम में ग्रे फिनिश की, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आपको एक हेक्सागोनल एयर फिल्टर मिलता है, यहाँ पे ये जो इसका फ़ैन है इसके साथ ही एयर फिल्टर है। यहाँ पे आप अपना फ्यूल चेंज करा सकते हो, आपका जो गियर ऑयल है ये वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो इससे। फिट एंड फिनिश मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये रहा इसका साइड प्रोफाइल, यहाँ पे जो एयर वेंट है ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन जूम एक्सटेक का आपको बैजिंग मिलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में खूबसूरत है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का जो रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया, दैट वाज जस्ट अ शॉर्ट वॉक अराउंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल लुकिंग जूम स्कूटर जो कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। सो इसके बारे में मैं और भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, इसके एक राइड रिव्यू करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कूटर चलने में कैसी है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी ब्रेकिंग कैसी है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन अमेजिंग राइड, एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग।